सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिएगा हम लोगों ने कैसे मनाई आज की होली, और स्कूल में और घर में। हैप्पी होली, आपको भी हैप्पी होली, हैप्पी होली। बीच का नहीं दबाना, साइड का दबाना। बस उसमें पहले इतना साल लगा रखा, भी नाक पे भी डाल रहा है, कम कम लगाई हूँ मुझे। हैप्पी होली, बड़े 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 हो जाओ, बड़े हो जाओ। छोटे को तो लगा दिया, बड़े को नहीं लगाया। नाक पे डाल दो इसकी, मेरी नाक पे डालता है इसने। हाँ चलो, कहाँ पे लगा रहा है? कहाँ पे लगा है? चाची को धारा नहीं, थोड़ा सा लगा कितना पर भर के लगा रहा। हाय रिंकी, मैंने सब सामने होली खेल रही है, देख सकते हैं आप जिस तरह से। हैप्पी होली, मौत तेरी देख हुए, प्लीज गाना मत कहो। होली ना होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली होली, हैप्पी होली। नहीं बस बहुत है, खुश रहो, बने रहो, अच्छे नंबर लाओ। तो फ्रेंड देखिए आपने, घर की होली भी और स्कूल की होली भी। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब हम क्या कहते हैं होली खेलते हैं बच्चों के साथ में। बहुत अच्छा उन पर इस बात का असर पड़ता है कि किस तरीके से खेली जाती है, लेकिन बाद में बच्चे हुदलंग माजी बजाई देते हैं। और ये कुछ हम लोगों की पिक थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाए और तबीयत भी ऐसी हो रही थी। तो ये देखिएगा मेरे बच्चों के हाल क्या हो रहे हैं, सब के सब मस्त हो रहे हैं और घर में ही।
और ये स्कूल की कुछ पिक थी, तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और उनका भी होता है कि हाँ हमारी पिक वगैरह भी और वीडियो वगैरह भी मैम डाले। तो ये देखिएगा, सभी बच्चों ने खूब अच्छे से मज़े से खेली होली और तभी उनकी ये सब मैंने पिक यहाँ पर लगाई हैं। तो देखो सभी बच्चे खुश हैं और छोटे छोटे बच्चे हमने घर भेज दिए थे। नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस अभी हो रहा है शाम का टाइम, कुछ आज कर भी नहीं पाए। करने से मतलब यह है कि मेरी तबीयत तो फिर आज खराब हो गई थी, यानी सुबह से ही मुझे प्रॉब्लम चल रही थी सर के दर्द की। तो कुछ वगैरह मैंने तो कुछ बनाया नहीं, बस थोड़े से कचरी पापड़ तल दिए थे और कुछ नहीं किया। और खाना भी नहीं बनाया दिन में, क्योंकि बेटे ने खा लिया था दोस्तों में और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो नहीं खाया, नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा। बस अब फटाफट से मैंने आटा वाटा गूंदा है और मसूर की बनाती हूँ दाल। तो अब थोड़ा सा मन कर क्या रहा है कि ज़बरदस्ती वाली बात है कि दिन में तो थोड़ा सा मैंने वैसे ही करके दवाइयाँ खा ली थी, लेकिन अभी भी मुझे दवाइयाँ खानी है, तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। त्यौहार के दिन भी यही होता है ना कि अगर तबीयत वगैरह सही होती है तो कुछ खाने बनाने को, खाने को, पीने को मन करता है, लेकिन तबीयत सही नहीं होना तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। तो बहुत कुछ सोच रखा था कि कुछ बनाएंगे, कचौड़ी वचौड़ी बनाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अभी भी इस टाइम पर भी मेरा मन नहीं हो रहा कचौड़ी वचौड़ी बनाने का और ना खाने का। तो सिंपल सी दाल रोटी बनाती हूँ और जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और क्या हो रहा था बाहर, क्या नहीं हो रहा था, तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, बस घर में ही थोड़ा सा टिका विका लगा रहा, ना बाहर जाने का ना देखने का, कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, शेयर करने को बनता भी है क्योंकि हम हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे से अपना दुख सुख बांटते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो आपने तो देखा ही होगा अक्सर मेरा यही हाल रहता है, लेकिन फिर ये रहता है ना कि त्यौहार में तो कम से कम सही रहें, कुछ बनाएं, अच्छा सा कुछ करें, लेकिन वही रहता है। तो ये देखिएगा गुलाल के पैकेट खुले भी नहीं है, एक पैकेट खुला है वो भी ऐसे ही पड़ा है, थोड़ा सा उससे गुलाल निकला है, ये तो अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो जब कुछ करना ही नहीं होता है, बाहर जाना ही नहीं होता है, कोई आ गया घर में तो एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ टीका लगा दिया बस बहुत है, तो कोई नहीं, अरे साल स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, यही रहता है कि त्योहारों में तो सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तभी जो है त्योहारों का आनंद भी आता है। तो अभी मेरा इतना काम तो हो गया है, बस फटाफट से दाल छोंकूंगी एक चूल्हे पे और एक चूल्हे पे बना लूंगी रोटी, क्योंकि मसूर की दाल तो एक सीटी या ज़्यादा से ज़्यादा दो सीटी में हो जाती है। और बस यही काम अभी करना है और सुबह को देखते हैं कितनी ठीक रहती है तबीयत, और ठीक रहेगी तो स्कूल जाऊंगी, अगर मुझे लगता नहीं है, उम्मीद सी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी मैंने दर्द की दवाई खाई है तो मैं उठी हूँ, थोड़ा सा मुझे आराम सा लगा, मैं कहा जितनी देर आराम है इतनी देर में कर लेती हूँ ये काम, नहीं तो फिर अगर दर्द होना, बट पता है ये तो माथे में तो हो ही रहा है नेचुरल जो सर दर्द होता है, मेरा सर दर्द ना ऐसे करके पूरे पूरे इसमें होता है, ऐसे करके होता है, ये पता नहीं माइग्रेन का है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ख्याल रखती हूँ और चलिएगा, बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, हम लोगों की छोटी सी होली, छोटी सी होली से मतलब ये है कि छोटा सा हम लोग वीडियो बना पाए, और क्योंकि जब ना मन नहीं होता है ना तो कुछ करने की मन मतलब इच्छा भी नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत जो भी किया कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। और बाहर का आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए थे, कहाँ गए मेरे बेटू, तो बस यही रहता है। आ जा, दूध पी लिया, पेट भर गया, अब आ जा दूध पी लिया। मेरी बेटी ने दूध पी ली थी, उसको भाई उसको मारता है ना, मैं मारूंगी उसको, मामा ने भगा दिया। अरे मेरी बेटी को ये वो देखो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। और ये है मेरा बिट्टू, और इसने भी खूब छाली होली खेली थी, ये देखो इसको, इसको देखो, ये रसोई में आके खुश तो होता है लेकिन इसको ना इधर उधर हाथ मारने की आदत है, इधर मारा हाथ, इधर हाथ मारा, इधर हाथ मारा, तो जब भी मैं इसे रसोई में आता है नहीं, इसके हाथ मुझे पकड़ के रखने पड़ते हैं,
क्योंकि अभी इतना बड़ा हो गया ना कि अगर इसको साइड में भी लेके जाना तो इधर भी हाथ मार लेता है, और अगर यहाँ पे कुछ बनाने के लिए रखा हो ना तो तब भी ये हाथ मार लेता है। आप देख रहे हो तुम इसकी हरकत, और इसको मेरी रसोई में ना बहुत अच्छा लगता है ना, और वैसे तो ये रहता ही रहता है। अभी बस दूध पीने गया था और फिर आ गया है ये, और चलिएगा करते हैं आज की जो व्लॉग है यहीं पे एंड। हाँ कम करते हैं यहीं पे एंड। आज के लिए एक चीज सीखा हुआ है ये खम कहना। कोई भी चीज जैसे आप थोड़ा बहुत पंखा चलाने लगे हैं ना तो हम बोलते हैं कि भाई नहीं पंखा चला गया बंद करते हैं, तो खम बोलते हैं। एक खम सीखा हुआ है, इतनी सारी चीजें बोलते हैं उन्हें नहीं सीखा, बस इतना ही सीखा है पंखे का ही। इसे पंखा चला के लेटा दो और बहुत खुश हो जाता है कि पंखा चल गया, और खुद ही ऐसे करके लेट जाएगा थोड़ी देर के लिए। और अभी थोड़ा सा बच्चों के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, लेकिन ठंड गर्मी बहुत हो चुकी है। और बस पहले देखती हूँ, एक रे सोता है तो उसको सुला देती हूँ, और उसके बाद शुरू करती हूँ मैं काम। और आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से। देखो कितना बात कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बात करता रहता है। फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ में या कोई कहानी के साथ में। तभी के लिए अभी के लिए इतना ही काफी। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। अरे वाह।